और इसके अलावा डालेंगे गरम मसाला पाउडर अदरक लहसुन का पेस्ट दो चम्मच दही यहाँ पे हमने दो चम्मच डाला है करीब 50 ग्राम होगा ये और धनिया की पत्तियाँ थोड़ी सी डाली है वेजिटेबल ऑयल हमने यहाँ पे डाला है साथ ही साथ हम आधा नींबू का रस यहाँ पे लेंगे इसको भी डाल देंगे और इन सब सामग्री को मिला करके चिकन को मैरिनेट करने करके हमें रखना है कम से कम एक घंटे या ओवरनाइट रख दे तो बहुत ही बढ़िया तो इस तरह से इसको मिला दे और किसी बर्तन में पैक करके फ्रिज में इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दे फ्रेश बना रहे हो तो एक घंटे के लिए जरूर छोड़े और चावल बनाते हैं तीन लीटर पानी में थोड़ा सा नमक हमने डाला कुछ गरम मसाले हमने डाले हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे घी एक चम्मच डाला है बिल्कुल बढ़िया से पानी को उबलना उबलने दीजिए फिर इसमें सोक्ड राइस डालेंगे बासमती चावल को हमने आधे घंटे के लिए सोक करके रख लिया था अब हम इसको इसमें डाल देंगे और दो से तीन बढ़िया उबाल आ जाए तो निकालना है हमें बिल्कुल 80 परसेंट पकाना है 100 परसेंट नहीं तो इस तरह का जब हो जाए तो इसको निकाल ले गैस को बंद कर दे और चावल को किसी बड़े बर्तन में निकाल करके ठंडे होने के लिए छोड़ दे क्योंकि बासमती राइस पकने के बाद भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो इस तरह से फैला के रख दे तो ये जो आपकी बिरयानी है बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी अब हम बिरिस्ता बनाते हैं तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है और उसमें डाला प्याज चार मीडियम रफली चॉप्ड इसको हमें बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है इस तरह से मिलाते हुए चार से पाँच मिनट लगेगा हाई हीट पर और इस तरह का जब हो जाए तो आधा प्याज हम निकाल देंगे लेयरिंग के समय या गार्निश के लिए बाकी प्याज को हम रहने देंगे और उसमें ये गरम मसाले और कुछ जीरा सिनमम और बाकी कुछ गरम मसाले इस तरह से हम डालेंगे तड़के के लिए और इसका बढ़िया सा तड़का हमें लगाना है और इसको उसी प्याज वाले ऑयल में डालें काफी गरम तेल है और एक से दो बार मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे मैरिनेटेड चिकन तो इसको डाल करके चिकन को हमें हाई हीट पर एक से दो मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई करना है पकाना है तो इस तरह से मिलाते हुए पलटते हुए इसको पका ले चिकन जो है हम अब गैस को कम करके ढक करके पकाएंगे बिल्कुल तब तक जब तक कि चिकन हमारा बिल्कुल बढ़िया से पक ना जाए तो इसको 10 मिनट के लिए ढकते हैं फिर से निकालते हैं तो इसमें से जो है काफी पानी ऐसे आ जाता है तो इसी जूस में चिकन अब पकेगा इसको बिल्कुल बढ़िया से चला दें बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाला चिकन रेडी हो रहा है खुशबू जबरदस्त आ रही है उसके बाद इसमें डालेंगे खोया तो ये 50 ग्राम हमने डाला है साथ ही साथ दही बहुत ही बढ़िया फ्रेश कर्ड डाल दें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यहाँ पे हमने फिर से डाला है आधा चम्मच और इन सब चीजों को बढ़िया से मिला दें और 10 काजू को दूध में पीस कर हमने यहाँ पे डाला है तो बहुत बढ़िया से इसको भी मिला दें ये देखिए जो चिकन है दस से पंद्रह मिनट के बाद जो हमारा है परफेक्ट पक गया है तो कुल मिलाकर पच्चीस से तीस मिनट में चिकन आपका बढ़िया रेडी हो जाएगा मीडियम हीट पर थोड़ा सा तेल निकाल के हम पैन में अलग कर लेंगे क्या करना है आगे बताते हैं चिकन को फिलहाल उतार ले बढ़िया से ये पक गया है बढ़िया मसाले फ्राई हो चुके हैं अब जो ऑयल हमने लिया था उसको गैस पे चढ़ा दे बॉइल्ड आलू को इसी ऑयल में पकाएंगे इससे बहुत अच्छा सा एक फ्रेगरेंस आलू में आ जाता है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने आप इसमें डाला है और इसको हम निकाल करके लेयरिंग के लिए उसी चिकन वाले बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने चिकन बनाया है इस तरह से इसको मसालों में मिक्स कर दें अब कुछ अंडों को हम इसमें फ्राई करेंगे तो अंडों को हम बारी बारी से फ्राई करेंगे तो तेल में इससे बहुत ही बढ़िया फ्रेगरेंस और स्वाद आ जाता है अंडों में भी अब इसको निकाल लें इसको भी हम अच्छे से लगा लेंगे और वन पॉट रेसिपी है इसीलिए हमने इसी में सारी चीज़ों को बढ़िया से मिलाया है और उसके बाद इसमें डाले बिरिस्ता जो हमने पहले निकाल के रखा था अच्छे से इसकी लेयरिंग कर ले फिर डालेंगे इसमें हम कुछ पुदीने की पत्तियाँ कुछ हरी मिर्चों को हमने चीरा लगा के रखा था अब जो राइस हमने रखा था उसको भी डाल लेंगे तो लगभग जो जितनी राइस हमने बनाई थी वो सब इस लेयरिंग में आ जाएगी आपकी मात्रा ज्यादा हो तो आप डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं अब ऊपर से बिरिस्ता धनिया पुदीने की पत्तियां कुछ केसर वाला दूध और केवरा जल ये सब हम डालेंगे इस तरह से देखिए केवरा जल हमने पहले बनाया था दो बूंद केवरे में थोड़ा सा पानी मिला करके और इसको इस तरह से गार्निश करें थोड़ा सा घी डाल लें ऊपर से और जो हमने बहुत ही बढ़िया वाला फ्रेगरेंस वाला ऑयल निकाला था इसको भी एक चम्मच डाल देंगे इस ऑयल का उपयोग आप बाकी किसी और सब्ज़ी या चिकन बनाने में कर सकते हैं अब इसको इस तरह से फॉइल लगा करके बिल्कुल बढ़िया से सील कर दें अब डबल दम पे हम इसको पकाएंगे तो तेज आंच पे पहले तवे को गरम कर ले फिर इस बर्तन को चढ़ाने के बाद गैस को कम करके 20 से 25 मिनट दम पे पकने दें और 20 से 25 मिनट के बाद ज़बरदस्त स्वादिष्ट कोलकाता चिकन बिरयानी तैयार है बिल्कुल चावल खिले खिले और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जायकेदार बना है हमारा ये बिरयानी तो इसका आनंद ले थैंक यू